फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ हैदराबादी फेमस स्ट्रीट फूड स्पॉट इडली। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। लिया है इडली बैटर, गन पाउडर, एक स्पून बटर, एक बारीक कटा टमाटर, धनिया पत्ती, नमक, बारीक कटा प्याज और खिसा हुआ अदरक 1 इंच का टुकड़ा है। सबसे पहले इडली के बैटर में मैं डाल रही हूँ नमक। बैटर में मैंने पहले नमक नहीं डाला था, अब मैं नमक डाल रही हूँ। ये बैटर स्पेशली इडली रवा से बनता है, आप लेफ्ट ओवर इडली बैटर भी यूज़ कर सकते हो। इडली बैटर में मैंने डाला है नमक, नमक डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये इडली तवे पर बनता है, रेगुलर स्टीम इडली के एकदम अपोजिट। मैंने तवा रखा है गर्म होने। अब इसके ऊपर बारीक कटा प्याज डाल के उसके बाद मैं तुरंत ही टमाटर डालूँगी। ये भी एक टमाटर बारीक कटा हुआ। उसके बाद मैं डाल रही हूँ बटर। इसे हमें बटर में ही पकाना है। मैंने पहले बटर इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो तवे पे जल जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 इंच अदरक का टुकड़ा घिसा हुआ। आप चाहो तो पेस्ट भी डाल सकते हो। अब मैंने डाला बारीक कटा धनिया पत्ती। यहाँ पर मैं हरी मिर्च नहीं डाल रही हूँ क्योंकि गन पाउडर थोड़ा सा तीखा रहता है। आप चाहो तो हरी मिर्च डाल सकते हो। अब इसमें मैं डाल रही हूँ गन पाउडर। गन पाउडर को इडली पोड़ी या कारम पोड़ी भी कहा जाता है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब मैंने डाला है नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब मैं इसको तब तक पकाऊंगी जब तक कि ये थोड़ा सा गल नहीं जाएगा। इडली पाउडर या गन पाउडर, उसी से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर वो नहीं डालेंगे तो इसका फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। इस इडली की स्पेशलिटी ही बटर और गन पाउडर है और इसका तवे पे पकाना रेगुलर इडली के एकदम अपोजिट। अब ये पक गया है और इसके बीच में मैं कर रही हूँ होल ताकि बैटर फैले नहीं। अब ये हो गया है, अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ इडली का बैटर। इडली का बैटर हमें एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है। थोड़ा थोड़ा डालने से ये आपस में चिपकेगा नहीं। अगर बहुत ज़्यादा डालेंगे तो पूरा बैटर बीच में आ जाएगा और वो डोसा जैसा बन जाएगा। अगर बैटर आपस में मिक्स हो जाए तो स्पून से उसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेना। करके अब मैं उसके ऊपर डाली हूँ थोड़ा सा बटर। बटर डाल के मैं उसके ऊपर डाली हूँ थोड़ा सा गन पाउडर। गन पाउडर डाल के थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल रही हूँ। धनिया पत्ती डाल के अब मैं इसको धीमी आँच पे अराउंड 2 या 3 मिनट तक पकाऊंगी, या तब तक कि ये पक नहीं जाएगा। मैं नीचे से चेक कर रही हूँ, इडली नीचे से पक गया, मैंने इसको टर्न कर दिया है। अब मैं नीचे से भी जब तक नहीं पकेगा तब तक के तवे पे पका लूँगी। ये हैदराबाद का एकदम फेमस स्ट्रीट फूड है, बहुत टेस्टी भी है, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट। इसके साथ चटनी सांभर कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बस इसको ऐसे सर्व किया जाता है। जब भी आप हैदराबाद जाओगे इसे ट्राई ज़रूर करना। अगर नहीं जा पाओगे तो घर पे ज़रूर बना के देखना और बताना आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन क्लिक करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।